सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हूँ मेजबान साझेदारी आप देखे फरूम करवा साहब साझेदारी के साथ लाल आज बात करेंगे हम उस वाक्य की जो कि पत्तौकी के अंदर हुआ। एक हॉल के अंदर एक पापड़ बेचने वाला जब हॉल के अंदर गया तो हॉल में जो जितने भी इवेंट पे शादी के ऊपर कोई आए थे लोग उनके पास एक डेड बॉडी यानी कि एक लाश पड़ी हुई थी और लाश पड़ी होने के साथ साथ लोग बड़े मजे से खाने खा रहे हैं बातें कर रहे हैं और साथ ही एक लाश पड़ी हुई है। ये बड़ी अफसोस का खबर है कि हमारे पाकिस्तान में ये कल्चर क्यों है कि एक हॉल के अंदर सारे हजूम में लोग खाना खा रहे हैं और साथ ही लाश पड़ी हुई है। नाज़रीन मैं इस जो खबर को जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये हुआ क्यों। खबर की जब तस्दीक की गई तो ये एक पापड़ बेचने वाला बंदा था जो कि रिस्क कमाने के लिए वहां हॉल के अंदर आया। हॉल के अंदर आया तो एक सोशल मीडिया पर हमारे सीनियर एंकर है उन्होंने प्रोग्राम किया इसके ऊपर कि उसके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया कि उसने कोई चोरी की है और उसी की तरह कलामी लोगों में हुई तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया। नाज़रीन मैं आपकी जो सोच है उसको रिपीट करने की कोशिश करूंगा कि आप सोचिए कि एक सानिया यूहन्ना बात कर हुआ जहां पर हजूम के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी का हजूम था वहां पर एक बंदे जो थे जिनको दहशतगर्द कहा गया और वो जिंदा जलाए गए उसके एव्ज वहां पर जितना भी हजूम था उसमें से 50 के करीब लोगों के ऊपर FIR हुई और बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है ना लोगों को पकड़ा गया जिसमें जो है 50 लोग के ऊपर केस चला। अच्छा मैं इसके ऊपर ये कहूंगा कि जो है कानून अगर देखा जाए तो जो मारने वाला वो भी मुजरिम है। अगर कानून देखा जाए तो कानून में है कि जो मारने वाला वो भी मुजरिम है और देखने वाला वो भी मुजरिम है यानी कि वो हजूम जो देख रहा था वो भी मुजरिम है। अगर सानी यूहन्नाबाद के अंदर मसीह कौम के लोगों को पकड़ा जाता है जिन्होंने कुछ किया भी नहीं उनके ऊपर केस चलता है इंक्वायरियां होती हैं और वो कई साल अंदर भी रहते हैं और बाद में फिर वापस बाहर आते हैं और उन्हीं 45 लोगों के ऊपर जो केसेस सामने आए और वो अंदर रहे जेल के अंदर और उनकी जिंदगी काफी तरीके से डिस्टर्ब हुई। अच्छा दूसरी तरफ यहां पर आ रहे हैं कि ये पत्तौकी के अंदर जो वाक्य हुआ पूरा हजूम पूरे लोग यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर कैमरामैन वो दिखा रहा था वीडियो कि नीचे लाश पड़ी हुई है और सामने लोग खाने खा रहे हैं अगर वो देखा जाए तो करीबन 300 से अबव भी हो सकते हैं 300 से कम भी हो सकते हैं। यानी कि जब FIR की गई तो क्या उन लोगों का नाम दर्ज किया गया शादी हॉल वालों का नाम दर्ज किया गया वो लोग जो बैठ के खाना खा रहे थे उनका नाम दर्ज किया गया क्या उनको पकड़ा गया क्यों नहीं पकड़ा गया ये कहां की नाइंसाफी हुई उनके साथ ये कौन सा इंसाफ है कि एक पापड़ बेचने वाला जिसको मारा गया तशद्दुद किया गया और वो मर गया और उसकी लाश साथ पड़ी हुई है और लोग वहां पर मजे मजे से खाने खा रहे हैं। अच्छा इसमें रोल क्या अदा किया जा रहा है हर उस इंसान का जो उस वक्त वहां पे मौजूद था चाहे वो हॉल वाला है चाहे वो शादी पे जो लोग आए हुए वो वाले उन्होंने क्या किरदार अदा किया क्या उन्होंने सिर्फ देखते रहे वो किस तरह उसको मार पड़ रही है किस तरह उसको मारा जा रहा है किस तरह मारते मारते उसका दम निकल गया है यानी कि वो भी एक जो है फैमिली का सरपस्त था।
वो उसके भी बच्चे थे, उसकी भी बीवी थी, ये कैसा इंसाफ हुआ उसके साथ? और आगे क्या होगा अगर FIR हो जाती है, वो बंदे पकड़े जाते हैं, तो क्या होगा? क्या उन लोगों के ऊपर जो हॉल के अंदर थे उनके ऊपर कोई चार्ज लगेगा? यूहन्नाबाद में तो चार्ज लग गया था, वहां पर तो 45 लोग अंदर हैं, उनको पर चार्ज लगा क्योंकि वो देख रहे थे। क्या ये जो देख रहे थे ये जुर्मदार नहीं है? इन्होंने भी देखा है मार खाते हुए उस बंदे को, यानी कि ये भी बराबर की शरीक है। जिन्होंने मारा वो तो है, लेकिन जिन्होंने देखा वो भी बराबर के शरीक है। मैं आज ही पंजाब से, सीएम पंजाब से ये अपील करूंगा कि इसके ऊपर नोटिस लें। उस हाल में जो जो बंदे देख रहे थे उनको भी हिरासत में लें और मुकदमा चलाए कि जिस तरह। अच्छा, ह्यूमन राइट्स के लोग कहां पर हैं? इंसानियत के जो अलमबरदार हैं वो कहां हैं? उन्होंने ये जो वाकया है ये देखा नहीं? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने इसके पर आवाज उठाई। ये एक हमारी जो है टीवी की आर्टिस्ट हैं सीनियर मिशी खान, उन्होंने भी इसके पर आवाज उठाई, उस वाक्य की पुरजोर मजम्मत की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मुझे ना शौक हुआ है ना मैं परेशान, इतनी कि मैं अभी सोने वाली थी कि मैं उठ गई, ट्विटर के ऊपर एक मैंने स्टोरी देखी, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि हमारे माशरे का क्या हाल हो गया है। लोग कितने जालिम और कितने बेहिस हो गए हैं कि पत्तों की में एक पापड़ वाला बेचारा, किसी शादी हॉल में उसका कोई तनाज़ा हुआ, बरातियों ने उसको मार मार के तशद्दुद करके मार दिया बिल्कुल, उसकी लाश जो है उस हॉल के अंदर पड़ी हुई और सारे लोग वहाँ टेबलों पे बैठ के खाना खा रहे और सामने लाश पड़ी हुई। तुम लोग अगर देख रहे हो या तुम लोग तक मेरा मैसेज जाए, अल्लाह का अजाब तुम पे गिरेगा, तुम लोग जो है ना, तुम लोगों के साथ जो होगा ना, ये देखिए हमारे क्या हो रहा है कि ये हाल हो गया हमारा कि एक लाश सामने पड़ी हुई है वहाँ पे शादी हॉल में और सारे टेबल्स पे बैठे मगर न खाना खा रहे हैं। नेशनल न्यूज़ भी इस वाक्य की पुरजोर मजम्मत करता है। मैं अपने प्लेटफॉर्म से यही पैगाम दूंगा हर उन लोगों को कि जो अगर इस वाक्य को देखते हैं तभी नाम दर्ज करें, जिस तरह यूहन्नाबाद के अंदर नाम दर्ज किया गया था, यहां पर भी ऐसा होना चाहिए ताकि वो भी देखने के जुर्मदार हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।